नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सब सेंटर बनेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आयुष्मान भारत योजना के तहत होंगे बदलाव। 3 साल में चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। प्रथम चरण में सिरसा के 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर शामिल हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद गुप्ता ने दी पूरे मामले की जानकारी। पनीवाला मोटा, पनिहारी व केयरवाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपग्रेड। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रदेश में सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर व सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किए जाएंगे। 3 साल में यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। सभी PHC व सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिए जाएंगे, जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ इन केंद्रों में योगा की भी कक्षाएं लगाई जाने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य कवच प्रदान किया जाएगा। हर परिवार का 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर व सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ इलाज की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर व अन्य स्टाफ तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ लोग यहाँ पर योगा क्लास के लिए भी आ सकेंगे, क्योंकि योगा क्लास के लिए यह सुविधा प्रदान की जा रही है। सप्ताह में 2 बार योगा ट्रेनर यहाँ पर योगा की ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में सिरसा के 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर शामिल किए गए हैं और इसके अलावा पनीवाला मोटा, पनिहारी, केयरवाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 3 साल के अंदर प्रदेश के सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तथा सब सेंटर अपग्रेड कर दिए जाएंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के बाद में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। भारत सरकार एक नई स्कीम शुरू करी है आयुष्मान भारत, जिसमें 10 करोड़ फैमिलीज को हेल्थ प्रोटेक्शन दिया जाएगा और हर एक फैमिली को 5 लाख का बीमा होगा। उसी के तहत एक मीटिंग थी है, जिसमें हमारे जो सब सेंटर्स हैं या PHCs हैं, उनको अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें एक जो डॉक्टर होगा, आयुष का डॉक्टर होगा या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगा, BSc नर्सिंग टाइप का, जो एक डॉक्टर और स्टाफ नर्स के बीच की कड़ी होगी। और ये अभी जो प्रपोजल है ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 3 PHC को अपग्रेड करने का है, जिसमें पनीवाला मोटा और ये एक पनिहारी और एक कहरवाला, 3 PHC को अपग्रेड करेंगे। और ये हमें 9 अगस्त से पहले पहले करना है। उसी के रिगार्डिंग मीटिंग थी, उसी प्रिपरेशन के और उसी गाइडलाइंस के बारे में मीटिंग थी। तो ये है कि इसमें अब तक जो सब सेंटर रहते हैं उसमें सिर्फ एक प्रिवेंटिव काम ही होता था, मतलब अब एक क्योरिटी काम भी होगा। जैसे कोई क्रोनिक डिजीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं या माइनर कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनका भी इलाज होगा और उसमें योगा की भी क्लासेस लगाई जाएंगी। इस तरह से आम जनता को बहुत फायदा होगा इसका। तो पहले चरण में 3 PHC सेंटर का प्रकरण किया जाएगा, उसके बाद आगे किस तरह से इसके बाद में ये 3 साल का प्लान है। 3 साल में सारी PHC और सारे सब सेंटर प्रमोट किए जाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक में। अभी तक 30 PHC हैं और लगभग 200 सब सेंटर है जिनको अपग्रेड किया जाना है 3 साल के अंदर, चरणबद्ध तरीके से किया जाए इनको। CHC तो पहले की तरह काम करता रहेगा, CHC में कुछ किया जाएगा? नहीं, CHC पहले की तरह काम करेगी, PHC और सब सेंटर को। योगा के लिए योगा टीचर्स भी होंगे? हाँ, योगा ट्रेनर्स रखे जाएंगे जो सप्ताह में 2 दिन योगा करवाएंगे वहाँ।